आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पाल से मार कर बैठ जाएं, आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहेगी। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें, सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें, सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाएं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस इस सांस पर मन लगा रहे, सांस इस सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें,
दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए, एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए, एक एक सांस पर पहरा लगा रहे, एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे, खूब सजग, खूब सचे, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सवतु सप्त मंगलं, भवतु सप्त मंगलं, भवतु सप्त मंगलं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम करो।